आज का प्रेरणा पाथे गुणों का साम्राज्य। साम्राज्य का होता है एक राज्य, इधर देखो उधर देखो चारों तरफ गुणी गुण दिखाई देते हैं, और एक अवगुणों का साम्राज्य होता है कि जिधर देखो अवगुण ही हम गुण दिखाई देते हैं व्यक्ति के अंदर। दो तरह के व्यक्ति हो गए, दोनों तरह के व्यक्ति का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि जो व्यक्ति गुणी होता है और वह गुणों के साम्राज्य से जो है आप्लावित हो जाता है, और इस सब के मूल के अंदर विनय की भावना होती है। जब व्यक्ति में विनय की भावना आ जाती है, बड़ों के प्रति विनय, गुरु के प्रति विनय, धर्म के प्रति विनय और प्राणी मात्र के प्रति विनय की भावना आ जाती है, उस विनय की भावना से दूसरे जितने भी गुण हैं, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्था, ईमानदारी, न्याय इत्यादि सब ऑटोमेटिकली जो है उसके ही ग्रुप में होते हैं, तो ग्रुप में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि अवगुणों का साम्राज्य, एक व्यक्ति अहंकार से वशीभूत होता है। अब रावण देखिए कि रावण जो है वो वेदों का ज्ञाता था, शिव जी का उसको आशीर्वाद था, शिव भक्त था, और जो है वो खूब शिव जी की साधना पूजा करता था, लेकिन उसके साथ विनय नहीं था, अहंकार था। एक अहंकार का उसमें आने से जो है उसमें बहुत से अवगुण जो है वो इकट्ठे हो गए, और अवगुण जो है इकट्ठे होने के कारण वो अवगुणों का साम्राज्य हो गया, उसमें वो अवगुणों का पुंज हो गया। इस कारण वो कई जन्म, कई शताब्दियों से रेगुलर जलाया जा रहा है।